Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पानी की नाली को लेकर दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, फायरिंग से दो युवा गंभीर रूप से घायल। जनपद मैनपुरी के कुराबली थाना क्षेत्र के ग्राम गुलालपुर में एक नाली को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले तो पत्थर चले, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस न पहुंचने के बाद दूसरे दिन पुनः दोनों पक्षों में नाली को लेकर विवाद होने लगा, जिसमें जमकर लाठी डंडे चलने लगे। तभी रंजिश मान रहे तीसरे पक्ष ने हो रहे विवाद का फायदा उठाते हुए जमकर फायरिंग कर दी, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के घर में दबंगों ने आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मैनपुरी में भर्ती कराया है, जहां से चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में ड्रामा हॉस्पिटल सैपई उपचार के लिए रेफर किया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित पति से तहरीर लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? गुलालपुर के। अच्छा, ये बताइए किन किन बीचों में ये जब विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद था? ये सर नाली के ऊपर विवाद हुआ, ये ठाकुर लोग और कश्यप लोगों से। जी हाँ जी, ने मेरे भाई संजय सिंह को सीधी गोली मारी आके, कल लड़ाई कल फायरिंग करी थी आगे। अच्छा, जो फायरिंग करने वाला था वो कौन व्यक्ति था, जिसने जो ना अपनी पुरानी रंजिश निभाई, क्या मामला? श्रीराम प्रधान। कौन बिरादरी के हैं भैया? ये राठौर है, श्रीराम जी, और ये ठाकुर लोग हैं, अवनीश अवनीश गोविंद। अच्छा, जो घायल हुए वो कौन लोग हैं? तो कितने फायर हुए होंगे लगभग? 25-30 फायर होते रहे लगा था। और मेरे घर पे पास में दुकान रखी थी मेरी, उसमें आग लगा दी, फ्रिज वगैरह ट्रैक्टर फोड़ दिया, मेरी गाड़ी फोड़ दी है, सब चीज फोड़ दिया, आग लगा दी। कुछ घायल इनको चोट के निशान किसके थे? चोट के निशान उनको लाठी डंडों के थे, जो भी चोट थी उनको चारों तरफ से मारा गया था, सर पे चोटें थी, कुछ हाथ पैरों कोई शॉर्ट गन का निशान नहीं था? शॉर्ट गन का कोई निशान नहीं था, एक संदिग्ध निशान था, शॉर्ट गन का भी हो सकता है, उसके लिए हमने एक्सरे करने के लिए बोला। सर रेफर कितने लोग किए गए? रेफर एक। सर घायल कितने हैं? घायल दोनों घायल थे, दो में से एक को रेफर कर दिया गया, एक का उपचार हम नहीं कर।